प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की हुजूरी में मैं रितु शाही आज आपका स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में गहरा काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और वो अच्छे पिता हैं और वो हमसे प्यार करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि उनके लोग तरक्की करें, उनके बच्चे तरक्की करें। जैसे एक दुनियावी पिता माता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, इसी प्रकार से जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं वो भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम अपनी ज़िंदगियों में उन्नति देखें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। और एक जगह और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने भी उनकी ओर देखा उसका मुंह कभी भी काला नहीं होता। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये भविष्यवाणी का वचन है और इसे आप अपने स्पिरिट में ले लें। अगर आप प्रभु की ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रभु आपके मुंह को कभी भी काला नहीं होने देंगे, वो आपको हमेशा सिर बनाएंगे। जब आप अपने आप को प्रभु की हुजूरी में नम्र करते हो, प्रभु आपको शिरोमणि करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करते हैं। और जब हम प्रभु के वचनों में देखते हैं, परमेश्वर का वचन वायदा है, परमेश्वर के वचन प्रॉमिसेस हैं और प्रभु अपने वायदों को करके कभी भी उनसे मुकरते नहीं हैं, ना ही उनका वचन कभी भी टलता है, ना ही उनके वायदे कभी भी टलते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है। जब हम बाइबल के पन्नों में कई लोगों की जिंदगियों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, सच में हम उनकी जिंदगियों में देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उनके साथ जो वायदे किए उनको पूरा किया। एक सही समय आने पर अब्राहम की जिंदगी में जो परमेश्वर ने वायदा किया उसे पूरा किया, जो दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर ने वायदा किया उसे पूरा किया। और मेरा विश्वास है जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, जब आप प्रभु के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं, जब आप प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में चलते हैं, एक गहरे संबंध में चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करते हैं, वो कभी भी अपने वायदों से इनकार नहीं कर सकते। और मैं विश्वास करती हूँ जिस वचन से आज मैं बात करने जा रही हूँ वो वचन आपकी ज़िंदगियों में गहरा काम करेगा। अगर आप हताश हैं, अगर आप परेशान हैं, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको छुटकारा देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। और परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा को दिया है, प्रभु ने हमें नई जिंदगी और नया जीवन दिया है। और जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, वो भी वायदे हैं, जब आप अपने व्यक्तिगत समय में प्रभु के साथ समय बिताते हैं और उनके वचनों को पढ़ते हैं, वो उनके वायदे हैं जो वो अपने प्यार करने वालों के लिए रखे हैं उन्होंने, और वो अपने प्यार करने वालों की ज़िंदगी में उन वायदों को पूरा करते हैं। एक वचन में से मैं पढ़ना चाहूँगी, मत्ती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसकी 14 आयत। बड़ा खूबसूरत वचन है, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 और 15 मैं पढ़ूँगी। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बात करते हैं और यहाँ पर प्रभु एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो परदेश में जाता है, लेकिन परदेश में जाने से पहले वो अपने दासों के हाथ में कुछ जिम्मेवारियों को छोड़कर जाता है। यहाँ पर लिखा है तोड़े वो अपने दासों को देकर जाता है। लेकिन जब हम 15 आयत में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। तो वहां पर हम देखते हैं जो मालिक है उसने 3 सेवकों को बुलाया और एक को उसने 5 तोड़े दिए, एक को उसने 2 तोड़े दिए और जो तीसरा था उसको 1 तोड़ा दिया। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। यहाँ पर जो मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ इस आयत के ऊपर, 15 आयत में यहाँ पर लिखा है उस व्यक्ति ने, उस मालिक ने अपने दासों को अलग अलग तोड़े दिए और आगे वचन कहता है अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार, एज पर देयर कैपेसिटी, यहाँ यानी कि उनकी जो क्षमता थी उनके अनुसार उस मालिक ने उन दासों को तोड़े दिए। जब हम क्षमता की बात करते हैं, परमेश्वर का वचन भी हमारी क्षमता बढ़ाने की बात करता है।
प्रभु ने समय समय पर अपने लोगों को सामर्थ दिया ताकि जो काम वो अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे अब वो परमेश्वर की ताकत के द्वारा कर सकें। पुराने नियम में भी हम देखते हैं, नए नियम में भी, नई वाचा में भी हम देखते हैं कैसे समय समय पर परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर उतरता था और उन्हें सामर्थ देता था, उनकी क्षमता को बढ़ाता था। वो लोग जो छुपे बैठे थे, वो लोग जो अपने पर विश्वास नहीं करते थे, वो लोग जो अपने आप को नीचा करके देखते थे, वो लोग जिन्हें पता नहीं था कि कैसे वो वाचा की जगह पर पहुंचेंगे, उन लोगों को परमेश्वर ने अपनी क्षमता दी, परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने उनकी ताकत को बढ़ाया और कैसे उन लोगों ने इतिहास को रच दिया। आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो परमेश्वर के लिए इतिहास को रचें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। और जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको क्षमता देते हैं, परमेश्वर आपके सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और उनका सामर्थ्य जो हमारी कमजोरियों में काम करता है वो आपकी ज़िंदगियों से काम करता है। और जैसे जब हम नॉर्मली बात करते हैं गाड़ियों के बारे में, और जब गाड़ी को कोई खरीदने जाता है, एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जब कोई कार खरीदने जाता है तो एक कार को उसकी हॉर्स पावर, जो उसके इंजन की, जो उसके जो उसको चलाने वाली मशीनरी है, हॉर्स पावर कितनी है उसके साथ तुलना की जाती है। और कई गाड़ियाँ पहाड़ों पर चढ़ सकती हैं लेकिन कुछ गाड़ियाँ पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती हैं क्योंकि उनकी उतनी क्षमता नहीं है। सो हर एक गाड़ी की उसके उपयोग के अनुसार क्षमता है। परमेश्वर ने हमें क्षमता दी है। अब हम देखते हैं कैसे एक गाड़ी की क्षमता एक हॉर्स पावर के साथ तुलना की जाती है। जब हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को किस रूप में देखते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय और उसकी 27 आयत में बड़ा खूबसूरत वचन है और ये कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा। जब एक गाड़ी बनाने वाला गाड़ी बनाता है तो वो उसके इंजन को ताकत देता है ताकि वो गाड़ी वो कर सके जो दूसरी गाड़ियां नहीं कर सकती, और इसी कारण उस गाड़ी को रैंक दिया जाता है कि ये नंबर वन है। लेकिन एक बात याद रखें, आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है, और जब परमेश्वर ने हमें बनाया है उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, उन्होंने कोई हम में कमियां नहीं छोड़ी है। वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने कहा अच्छा है, और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, और जब अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है, परमेश्वर ने आपके अंदर वो काबिलियत डाली है जो आज के समय में, आज आपके प्रेजेंट समय में, आपके परिवार में जिसकी जरूरत है, आपके कामों में जिसकी जरूरत है, हो सकता है आपके शादीशुदा जीवन में उस क्षमता की जरूरत हो, कई क्षेत्रों में आप उत्साहीन हो गए हो, कई क्षेत्रों में आप कमजोर हो गए हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं, अपने आप को अपने नजरिए से देखना बंद करें, लेकिन अपने आप को परमेश्वरी नजर से देखें। वचन कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। और मेरी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोलें ताकि आप इस सत्य के वचन को ग्रहण कर सको। आप वो नहीं हो जो लोग आपसे कहते हैं, आप वो भी नहीं हो जो आपके आसपास के लोग या आपके परिवार के लोग या जो आपके साथ काम करते हैं या आपके बच्चे जो आपसे कहते हैं, या अगर कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को उल्टा सीधा कहता है। आप वो नहीं हो जो दुनिया आपको कहती है, लेकिन आपकी पहचान मसीह में है। आपकी पहचान है आप जैवन से भी बढ़कर हो। क्यों आप जैवन से बढ़कर हो? इसलिए नहीं कि आप बहुत सुपरमैन हो या सुपर वूमेन हो, लेकिन सिंपली इसलिए कि आपने अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है और आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में, अब उनकी हुजूरी में अपने आप को नम्र किया है, और आप वो करते हो जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। तो आप कमजोर नहीं हो, आप ठुकराए हुए नहीं हो, लेकिन आप वो हो जो परमेश्वर आपसे कहते हो। प्रभु कहते हैं तुम जैवन से भी बढ़कर हो, प्रभु कहते हैं तुम सामर्थ्य हो, प्रभु कहते हैं तुम आशीषित हो, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कईयों के लिए आशीष का सोता बनाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वो पोटेंशियल, वो क्षमता आपके अंदर डाली है। जैसे मैंने कहा, गाड़ी बनाने वाला उसके इंजन में वो सारी क्षमता डालता है जिसकी जरूरत गाड़ी को हिल एरियाज में, यानी कि पहाड़ों में चढ़ने के लिए चाहिए।
उसी प्रकार से परमेश्वर जो हमारे रचने वाले हैं, उन्होंने आपके अंदर वो क्षमता डाली है। और अगर आज आप महसूस करते हो कि आप में वो क्षमता नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर का वायदा है, वो आपको मजबूत करते हैं और आप इसे अपने स्पिरिट में ले लें। परमेश्वर का वायदा है, वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या हम कह सकते हैं सब कुछ? सब कुछ, सब कुछ यानी कि सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपको पारिवारिक जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, और हो सकता है लोगों की बातें आपको नीचा कर देती हो, लोगों की बातें आपको कमजोर कर देती हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं परमेश्वर के वचनों में से आप परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने पारिवारिक जीवन में आप जयवंत होकर चल सकते हैं, अपने कारोबार में आप जयवंत होकर चल सकते हैं, अपने सोच के एरियाज में, अपनी भावनाओं के क्षेत्र में आप जयवंत होकर चल सकते हैं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप मुंह से कन्फेस कर रहे हैं। हाँ, वो भी जरूरी है, हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, लेकिन ये इसके लिए इसलिए है, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है और परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थी है। पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा जिस्म परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है? वो आपसे दूर नहीं है मेरे भाई और बहनों। पर जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, वो तो इमैनुअल है, वो हमेशा हमारे साथ है। और ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कई बार हो सकता है आपको महसूस हो, क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया? प्रभु जी, ये तकलीफ मेरी जिंदगी में क्यों आई है? प्रभु जी, ये कमजोरी मेरी जिंदगी में क्यों आई है? ये कमजोरी और तकलीफ आपको गिराने के लिए नहीं आई है, पहले आप इस बात को समझ लें। ये कमजोरी अगर आई है, अगर जिंदगी में तकलीफ आई है, याद रखे परमेश्वर आपको शिरोमणि करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करने जा रहे हैं। जो लोग आज आपको पूछते भी नहीं हैं, परमेश्वर उनके बीच में आपको ऊंचा करने जा रहे हैं। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा कटोरा उमड़ता है, आपने मेरे सर को मेरा अभिषेक किया है अपने तेल से, आपने मेरे सर पर अपना तेल उड़ेला है, मेरा अभिषेक किया है, आपने दुश्मनों के सामने मेरा मेज बिछा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी यही करने जा रहे हैं। आमेन। बाइबल में हम लोगों की जिंदगियों में देखते हैं, जब जब उनकी जिंदगी में तकलीफें आई, उन्होंने जब प्रभु पर उस समय में विश्वास किया, आने वाले समय में उन्होंने ऊंचाइयों को ही देखा। सो क्या आप मेरे साथ इस वचन को कह सकते हैं, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ, फिर से कहें मिलके, मैं सब कुछ, जो आपको सामर्थ्य देते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो आपको सामर्थ्य देते हैं अपने आत्मा के द्वारा, उनके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये भविष्यवाणी का शब्द है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने परिवारों को संभाल सकते हैं, आप परमेश्वर के ज्ञान में चल सकते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप सही का चुनाव कर सकते हैं, आप अपनी जुबान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हो सकता है आपको लगता हो, प्रभु जी सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारे परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों में भी जान डाल देते हैं, जो मुर्दा परिस्थिति में भी जीवन को ला देते हैं, जो सूखे पेड़ में से भी फल उगा देते हैं, जो उजाड़े रास्ते में भी अपने लोगों के लिए रास्ता बना देते हैं, जो पानी अगर गहरा भी हो फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को उस गहरे जल में से ले जा लेते हैं। हालेलुया। हम उन परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित हैं, जिनके वायदे सच हैं, और वो कभी भी अपने वायदों से पलटते नहीं हैं, लेकिन वो अपने वायदों को अपने लोगों की जिंदगियों में पूरा करते हैं। हाँ, कई बार हमें लगता है प्रभु समय लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर को हम अपने समय में सीमित नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारे समय से बाहर रहते हैं। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक समान परमेश्वर है। वो कल भी आपके साथ थे, वो आज भी आपके साथ हैं, और वो कल आपका जो भविष्य है उनके लिए वो प्रेजेंट है, लेकिन हमारे लिए वो भविष्य है, उसमें भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
आपके साथ हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, और उससे पहले ही जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने क्रूस पर जाने के बारे में बताते थे और उन्होंने कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जीवित हो उठूंगा और मैं तुमसे पहले गलील को जाऊँगा और मैं वहाँ तुम्हें मिलूँगा। कितना खूबसूरत वायदा यीशु ने अपने चेलों से किया। उस समय उनके चेले इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में जब परमेश्वर का आत्मा उन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा को उन्होंने ग्रहण किया और परमेश्वर का आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उन पर उतर आया, हालेलुया, जब उन पे उतर आया, उन बातों को जो वो पहले नहीं समझते थे अब वो समझने लगे। वो बिल्कुल अलग लोग हो गए, उनकी सोच अलग हो गई, उनका काम करने का तरीका बदल गया, उनका अपनी परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदल गया। इसलिए जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब में, कई ऐसी घटनाएं थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जेल में डाल दिया गया, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ताड़ना दी गई, उन्हें परेशान किया गया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई। पौलुस और सिलास भी जेल में गए, पौलुस भी कई बार जेल में गया, उसको 5 बार कोड़े पड़े, कई बार जो जहाज था वो डूबते डूबते बचा, कई उतार चढ़ाव से उनके चेलों को जाना पड़ा। सो हम देखते हैं कैसे पहली शताब्दी की कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह में चलने के कारण, प्रभु के साथ चलने के कारण कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने यह क्वेश्चन नहीं किया, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि उन्होंने कहा हाय प्रभु जी आपके साथ चलने के कारण हमारी जिंदगी में क्या हो गया। खुशी खुशी उन्होंने अपनी जिंदगियों में हर समय को रिसीव किया और हर समय में वो प्रभु का धन्यवाद देते चले गए। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, एक बड़ा ही खूबसूरत नजरिया हम देखते हैं, और इन लोगों ने, ये लोग कुड़कुड़ाए नहीं, ये लोगों ने ये नहीं कहा प्रभु आपके नाम के कारण हमें जेल में डाल दिया गया, हमें मारा गया, हमें भूख सहनी पड़ी, हमें नंगाई सहनी पड़ी, लेकिन प्रभु का वो धन्यवाद कर रहे हैं जेल में बैठकर, जब उनके हाथ और पैर बंधे हैं वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। पहली शताब्दी की कलीसिया, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कुड़कुड़ा नहीं रही है, प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगा रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, प्रभु का धन्यवाद कर रही है और कह रही है प्रभु हमें हियाव दो, हमें ताकत दो, हमें बोल्डनेस दो, हमें सामर्थ दो, ताकि हम आपके वचन को बड़े सामर्थ के साथ लोगों को बता सके, आमीन। सिंपली क्या था, क्या तकलीफें नहीं थी? हाँ, उस समय भी तकलीफें दी, आज भी तकलीफों को लोग अपनी जिंदगी में फेस करते हैं, क्योंकि प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में तुम्हें कलेश होगा। सो जब तक आप इस दुनिया में हैं, कई चीजें दाएं बाएं से ऊपर नीचे से जिंदगी में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो परमेश्वर ने हमसे वायदे किए वो कभी पूरे नहीं होंगे, वो पूरे होंगे। प्रभु सच्चे हैं और वो अपने वायदों को पूरा करते हैं। तो अगर प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें बल दूंगा, इसका मतलब है वो हमें बल देते हैं। प्रभु अपने सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर अपने आत्मा के द्वारा उड़ेलते हैं। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं आप कभी भी कमजोर नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा नया बल और नई शक्ति को पाते हैं। एक और वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगी, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। सो यहां पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, बेशक बाहरी मनुष्य ढल रहा है, जिस्म ढल रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिस्म ढल जाता है, कई चीजें हम जिस अपने शरीर में उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन वो आगे कहते हैं तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व यानी कि हमारा स्पिरिट मैन नया होता जाता है, वो ताकत को प्राप्त करता जाता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है हम आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और प्रभु का वचन भी आत्मा है, और परमेश्वर ऐसे आराधकों को, पिता ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। फिर एक जगह पर वचन में लिखा है हम आत्मा के चलाई चलते हैं, और जो लोग आत्मा के चलाई चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, और जो आत्मा के चलाई चलते हैं वो शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर विजय पाते हैं। सो हो सकता है आपको अपने जिस्म में कमजोरी लगती हो,
लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं आपका आत्मा सामर्थ को पाता चला जाता है, और जब आपका आत्मा सामर्थ को पाता चला जाता है ऑटोमेटिकली आप अपने शरीर में ताकत और सामर्थ को रिसीव करते हो। हालेलुया, क्योंकि ये स्पिरिट कनेक्शन है, ये आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है। प्रभु हमारे आत्मा में अपनी बातों को डालते हैं, पवित्र आत्मा भी, परमेश्वर जो चाहते हैं वो हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा डालता है। वचन कहता है परमेश्वर पिता का प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में उडेला गया है। सो ये हमारे स्पिरिट में है। हम शारीरिक लोग नहीं हैं जो अपनी भावनाओं से और आसपास जो परिस्थितियां हैं लोगों की बातों के अनुसार चलते हो, नहीं। अब आप आत्मिक हैं, आप स्पिरिट मैन हैं। यहां पर पौलुस कहते हैं तुम्हारा स्पिरिट मैन रिन्यू होता चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स हैं, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जब इनकी कंपटीशन होता है बॉडी बिल्डर्स का, डिपेंड करता है कि वो कितना भार उठाते हैं, और जितना वो भार उठाते हैं उससे उनको रैंक दिया जाता है। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। और वो जो क्षमता उनके अंदर पैदा हुई है वो ऐसे पैदा नहीं हुई है, जो जिस्मानी शक्ति की बात मैं कर रही हूँ, ये ऐसे पैदा नहीं हुई है, ये कई सालों के एक्सरसाइजेस के बाद जो उन्होंने अपनी जिंदगी में रूटीन अपनाई है, अपनी डाइट को सही रखा है, अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए जिम भी गए होंगे और अलग अलग एक्सरसाइज लगाई है ताकि शरीर का हर एक भाग इतनी क्षमता को, इतनी ताकत को प्राप्त कर ले कि जब भार उठाए वो अपने कॉम्पिटिशन में उसको कोई भी मुश्किल ना हो। और एकदम से उनकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कई महीनों के और कई सालों के लगातार अपने एक्सरसाइज से और अपनी डेली रूटीन से कि वो उस भार को बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपको और मुझे कोई बड़ा भार उठाने के लिए बोले, हो सकता है हम ना उठाएं क्योंकि हमने अपने जिस शरीर को वैसे तैयार नहीं किया। तो उन लोगों ने, बॉडी बिल्डर्स ने, अपना जो फोकस है अपने शरीर को उस क्षमता में लाने के लिए तैयार किया, सब कहें तैयार किया है। हालेलुया। तो एक तो तरीका होता है जब हम अपने शरीर को तैयार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आत्मा भी है, इंसान का आत्मा। वचन कहता है इंसान के आत्मा के बारे में, मनुष्य का आत्मा है, फिर एक परमेश्वर का आत्मा है। सो कई बार होता है मनुष्य का आत्मा भी कमजोर हो जाता है, लेकिन जब आपके साथ पवित्र आत्मा है आप कमजोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अब आपके साथ आकर जो आप नहीं कर सकते उसमें आपकी मदद करता है, और वो आपको वो ताकत देता है जिसके द्वारा आप इम्पॉसिबल भी कर सकते हो, अब असंभव भी कर सकते हो। आपको लगता होगा प्रभु मैं कैसे अपनी स्टडीज में अच्छा करूं, मुझसे फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ परमेश्वर, वचन में लिखा है याकूब की पत्री में कि जिसको ज्ञान की कमी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए बड़ी दया के साथ लोगों को ज्ञान देते हैं। अगर आपको लगता है प्रभु मेरी क्षमता नहीं है, परमेश्वर आपकी क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। आपको लगता है मुझसे पढ़ाई नहीं होती, कैसे मैं फोकस करूं, मैं आपसे कहना चाहती हूं परमेश्वर आपकी क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। आप एक हाउस वाइफ हो, आपको लगता है प्रभु कैसे मैं अपने परिवार का प्रेशर, दबाव को सहूं, कैसे हर एक चीज को सही समय पर करूं, कैसे प्रभु इन कामों के बीच में होते हुए भी मैं आपके साथ समय बिताऊं, कैसे प्रभु जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ ये आपके बल और शक्ति से नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो आपकी कमजोरी में आपको बल देता है उनके द्वारा आप कर सकते हो। बस आपको अपने आप को प्रभु के तरफ झुकाना है, आपने अपने कान को प्रभु की आवाज की ओर झुकाना है, आपने अपने दिल को परमेश्वर की बातों की ओर झुकाना है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं ऑटोमेटिकली आप अपने सृजनहार परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, और जब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं वो आपका जरिया बन जाता है और वो आपका सोर्स बन जाते हैं जिससे आप क्षमता और बल प्राप्त करते हैं। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यशाया नबी की किताब उसका 40 अध्याय और उसकी 29 आयत, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्स 29, यहां लिखा है वह थके हुए को बल देता है। हर कोई कहे आमीन, हालेलुया। जो आज थके हुए हैं परमेश्वर आपको बल देते हैं, ये उनका वायदा है।
और शक्ति ही इनको बहुत सामर्थ देता है, थोड़ा सामर्थ नहीं देता, बहुत सामर्थ देता है। बाइबल में हम देख पढ़ते हैं शिमशोन के बारे में, जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसने कई हजारों फिलिस्तीनियों को मार दिया और उसने जिन रस्सियों ने उसे बांधा था वो रस्सियां मोम की तरह पिघल गई और उसको कुछ नहीं मिला, एक गधे का जबड़ा मिला। गधे का जबड़ा कितना बड़ा होता है? छोटा ही होता है। गधे का जबड़ा मिला और उसने उसी को इस्तेमाल किया और कई हजार फिलिस्तीनियों को मार दिया। आमेन। ये है परमेश्वर का सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ है जब परमेश्वर के दूत ने फिलिप को कहा, जाकर उस खोजा जो इथियोपियों की रानी का खोजा था उसके पास जाओ, और फिलिप ने उसकी बात को माना और वचन में लिखा है फिलिप दौड़ा और वो ऐसे दौड़ा, वो कोई एक बहुत जवान व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब वो दौड़ा वो रथ के साथ दौड़ना शुरू हो गया और उसने सुना कि वो जो खोजा है वो क्या पढ़ रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कैसे एलिया के ऊपर जो परमेश्वर का आत्मा उतरा, वचन में लिखा है परमेश्वर का हाथ उस पे उतरा और वो अहाब के रथ से भी आगे दौड़ने लगा। ये है परमेश्वर का सामर्थ जो उन्होंने आपको दिया है। सो वचन कहता है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु, सब कहें परंतु, परंतु जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आज इस वचन की भविष्यवाणी मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर करती हूँ। आप दौड़ेंगे प्रभु के लिए और थकेंगे नहीं। आप किसी भी चीज से परेशान नहीं होंगे और अगर परेशानी की सोच आती भी है आप उन सोचों को अपने सिर के ऊपर घोंसला नहीं बनाने दोगे, लेकिन आप एक अच्छी दौड़ दौड़ोगे, आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ोगे, क्योंकि आप अपने बल से ये नहीं कर सकते हो, मैं फिर से कह रही हूं, लेकिन वो जो आपको सामर्थ देते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके द्वारा आप सब कुछ सब कुछ सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया रिबा शाता खराबा से खेले ले। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज जुड़े हैं हमारे साथ, इस वचन को सुन रहे हैं, अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाएं, प्रभु को कहें प्रभु हो सकता है आप आज कमजोर महसूस करते हो सकता है आज थके हुए आप महसूस करते हो, लेकिन इस वचन के मुताबिक मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करती हूँ, अब आप थकेंगे नहीं, अब आप कमजोर नहीं होंगे, अब आप निराश नहीं होंगे, लेकिन आप नया बल और नई शक्ति को प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना है अपने लोगों को इसी वक्त छू लें प्रभु, इनके जिस्मों में चंगाई आ जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक कमजोरी बीमारी इनको छोड़ कर जाए, हर तकलीफ इनके जिस्मों में से खत्म हो, क्योंकि इनका शरीर आपके आत्मा का मंदिर है और जहाँ पर परमेश्वर आपका आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर आनंद की भरपूरी है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर छुटकारा है। हो सकता है आप कहते हो प्रभु जी मुझे शांति नहीं है, परमेश्वर आपको शांति देने जा रहे हैं, वो आपकी क्षमता को बढ़ाने जा रहे हैं। हो सकता है वो कहते हो प्रभु मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, प्रभु कह रहे हैं मेरे बल के द्वारा मेरे आत्मा के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। आपको लगता होगा आप कुछ लोगों को सहन नहीं कर सकते हो, उनकी बातें उनके रवैये उनके तौर तरीके आपको इरिटेट करते हो, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बल देता हूँ तुम उन लोगों को सह सकते हो और सिर्फ सह ही नहीं सकते हो उल्टा उनके साथ प्यार कर सकते हो, उनके साथ अच्छा कर सकते हो। हालेलुया पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रिबा शाता खराबा से खेले ले। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू। जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब आज इस समय में आप प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ को आपकी जिंदगियों के ऊपर उड़ेल रहे हैं, परमेश्वर अपने छुटकारे को आपको दे रहे हैं, परमेश्वर अपनी चंगाई के सामर्थ को आपके शरीरों के ऊपर दे रहे हैं। हालेलुया पवित्र आत्मा आप इसी वक्त अपने लोगों को छू लें, अपने लोगों को छू लें प्रभु जी, आप छुएं, आप छुटकारा दें। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक अंधकार का काम इन जिंदगियों में से खत्म हो जाए,
हर एक अंधकार का काम इन जिंदगियों में से खत्म हो, हर एक बुराई का काम इन जिंदगियों में से खत्म हो, नशे की लत यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए। हर बुराई की जड़ शैतान है और मैं डिक्लेयर करती हूँ छुटकारा प्रभु जी आपके लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त रिसीव करें अपने छुटकारे को, इसी वक्त रिसीव करें अपनी चंगाई को, इसी वक्त रिसीव करें प्रभु की शांति को, इसी वक्त रिसीव करें प्रभु के आनंद को। वचन कहता है उसने हमें आनंद के तेल से अभिषेक किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग उदासी में, उदासी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए, हर तरीके की चिंता का आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए, डर भय का आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए, दबाव का आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए। मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रभु आपके लोग अब दबाव में नहीं रहेंगे, मानसिक दबाव में नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन वो उकाबों के समान ऊंचा उड़ेंगे। प्रभु जी आप छू रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ। आप काम कर रहे हैं इनके परिवारों को, इनके घरानों को, इनके बच्चों को, इनके कामों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके घरों में प्रभु जी फाइनेंशियल चैलेंज है, यीशु मसीह के नाम से हर तरीके का फाइनेंशियल चैलेंज दूर हो। प्रभु आपको सर बनाने जा रहे हैं, प्रभु आपके लिए वो रास्ते खोलने जा रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। परमेश्वर आपके लिए अलौकिक रास्ते खोलने जा रहे हैं, परमेश्वर कौओं को भेजकर आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपको खाना देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने सुलेमान को ज्ञान दिया, दर्शन में सुलेमान ने ज्ञान प्राप्त किया, आपके साथ ऐसी होने जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे दर्शनों में बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपसे अपने वचनों के द्वारा बात करने जा रहे हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कोई भी धोखे में ना रहे, लेकिन मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके लोग अपने कानों को, अपनी निगाहों को आपकी ओर लगाएं, प्रभु आप से सुने, आप जो कहते हैं वो करें, आप जो बातें बोलते हैं उनके साथ प्रभु जी इनका दिल जुड़ा रहे, क्योंकि आपके लोग कमजोर नहीं हैं, लेकिन आपके लोग बलवंत हैं और सामर्थ से सामर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आदर महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु जी, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।